यतिवाणी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इस कार्यक्रम में बताऊंगा कि कुंडली में ग्रह अस्त कब होते हैं और अस्त ग्रहों का हमारे कुंडली में अगर है कोई तो उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनसे क्या तकलीफें होती है, क्योंकि अस्त ग्रह अशुभ हो जाता है, अशुभ फल प्रदान करता है, और अशुभ ग्रह को वापस शुभ फल देने वाला ग्रह या बलवान ग्रह बनाने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। आज जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज़ाना यतिवाणी कार्यक्रम में किसी न किसी नए विषय पर जानकारी लेकर आपके लिए आता हूं। आप आज अपनी कुंडली अगर खोल कर बैठेंगे और जैसा कि मैं बोल रहा हूं बताऊंगा, अभी आपको जानकारी दूंगा कि आप अपनी कुंडली में खुद देखें कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अस्त है। अगर अस्त कोई ग्रह नहीं है तब तो बहुत बढ़िया है, अगर कोई ग्रह अस्त है तो आप उसके बारे में क्या परिणाम होता है या क्या फल हमें जीवन में मिलता है आप ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी ग्रह कुंडली में अस्त कब होता है। ज्योतिष में 9 ग्रह माने गए हैं, 9 में 7 ग्रह है और राहु और केतु जो 2 ग्रह है उनको छाया ग्रह माना गया है। आपको मैं आगे कोई जानकारी दूं इससे पहले मैं रोज़ाना की तरह आपकी और मेरी बात कर लेता हूं कि अगर आप मेरे चैनल के नए दर्शक हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप पुराने दर्शक हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बाद में जो नोटिफिकेशन बेल आपको दिखाई देगी आप उस बेल को भी दबा दें ताकि मैं कोई आपके लिए यतिवाणी कार्यक्रम में या फिर दैनिक राशिफल में ज्योतिष के अनुसार कोई और धर्म की बातें आपके लिए वीडियो पोस्ट करता हूं जो आपके उपयोग के लिए होती है, मेरा वीडियो पोस्ट होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सके। हो सकता है मेरा वीडियो आपके लिए कोई बहुत ज़रूरी साबित हो जाए। अब मैं आपको यह बताता हूँ सबसे पहले कि ग्रह कौन सा ग्रह कब अस्त होता है कुंडली में। तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि हर ग्रह सूर्य से एक निश्चित दूरी पर आते ही अपने आप अस्त हो जाता है। तो यह जानना ज़रूरी है कि कौन सा ग्रह सूर्य के कब कितना नज़दीक आने पर अस्त होता है। सूर्य सभी 9 ग्रहों का राजा है और सूर्य कभी अस्त होता नहीं है। इसके अलावा जो बाकी ग्रह है वह अस्त होते रहते हैं। तो उन बाकी ग्रहों में सबसे पहले देखते हैं कि चंद्रमा कब अस्त होता है। चंद्रमा सूर्य के दोनों ओर 12 डिग्री या इससे अधिक समीप आने पर अस्त हो जाता है। इसी प्रकार से मंगल सूर्य के दोनों ओर 17 अंश पर या इससे अधिक नज़दीक आ जाता है तो अस्त हो जाता है। बुध ग्रह सूर्य के दोनों ओर कम से कम 14 डिग्री या इससे भी थोड़ा कम डिग्री पर नज़दीक आता है तो अस्त हो जाता है। बुध यदि अपने सामान्य गति के बजाय वक्री गति से चल रहा है तो वह सूर्य के इधर आगे या पीछे दोनों बाजू में 12 डिग्री या फिर इससे अधिक नज़दीक आ जाता है तो वह अस्त हो जाता है। गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह सूर्य के दोनों ओर 11 डिग्री या फिर इससे थोड़ा कम अगर नज़दीक होता है तो वह अस्त माना जाता है। शुक्र सूर्य के दोनों ओर अगर 10 डिग्री या इससे कम डिग्री पर नज़दीक होता है तो अस्त माना जाता है। शनि सूर्य के दोनों ओर 15 डिग्री या फिर इससे अधिक समीप आता है तो वह अस्त माना जाता है। इसके अलावा राहु और केतु छाया ग्रह है, ये कभी अस्त नहीं होते बल्कि ये सूर्य और चंद्र को या किसी भी ग्रह को जिसके साथ आते हैं उसको प्रभावित कर देते हैं। सूर्य के साथ आता है तो सूर्य ग्रहण योग, चंद्र के साथ आते हैं तो चंद्र ग्रहण योग, मंगल के साथ आते हैं तो अंगारक योग, बुध के साथ सामान्य योग बनता है इनका, गुरु के साथ अगर राहु केतु आता है तो चंडाल योग, और शुक्र के साथ आता है तो अभोत्व योग, शनि के साथ आते हैं तो नंदी योग बनता है। अब मैं आपको
अभी तक मैंने आपको बताया कि ग्रह अस्त कब होता है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि अस्त ग्रहों का क्या फल मिलता है। सबसे पहले मैं आपको चंद्र ग्रह के बारे में बताता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अस्त होता है तो जीवन में अशांति बनी रहती है, माँ से संबंध खराब हो जाते हैं, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। अस्त चंद्रमा अष्टम भाव या फिर अष्टमेश के साथ हो तो व्यक्ति को काफ़ी मानसिक दुख उठाने पड़ते हैं। एनीमिया है, फेफड़ों के रोग है, मानसिक तनाव है, सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, डिप्रेशन है, अस्थमा है, ऐसे रोगों से जूझना पड़ता है, ऐसे रोग बनते हैं। मन में हमेशा अशांति बनी रहती है, संतुष्टि के भाव कभी आते नहीं हैं और मन हमेशा बहुत ज़्यादा चंचल बना रहता है। अब देखते हैं मंगल। अगर मंगल ग्रह अस्त हो तो मंगल तो सबसे सेनापति है नौ ग्रहों के अंदर, और साहस और पराक्रम का कारक ग्रह भी मंगल है। इसके अस्त होने पर साहस में कमी, क्रोध में वृद्धि, छोटे भाइयों से तनाव, भूमि का विवाद, भूमि भवन का विवाद, नसों में दर्द, दुर्घटनाएं घटना, बार बार दुर्घटनाएं घटना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, पत्नी को शारीरिक कष्ट जैसी परेशानियां होती है। यदि मंगल छठे भाव में पापी ग्रहों के साथ हो, या पापी ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, या पापी ग्रहों से किसी भी प्रकार से इनका संबंध रहता है, तो जीवन में दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा घटित होती है। बीमारियों की आशंकाएं हर समय लगी रहती है, छोटी छोटी बातों में शरीर में तकलीफें उठानी पड़ती है। छठे भाव से मंगल का जो संबंध व्यक्ति को कर्ज से भी जोड़ता है, यानी कि जिसके छठे भाव में मंगल रहता है और अस्त होता है, तो वह आदमी को कर्जदार बना देता है, उसके शत्रु भी काफ़ी बन जाते हैं और शरीर में रोग भी काफ़ी बन जाते हैं। और विशेषकर अगर 12वें खर्च स्थान में मंगल जाकर अस्त हो जाता है तो आदमी को नशा पता करने वाला बना देता है, यानी कि वह नशे का शौकीन हो जाता है। अब देखते हैं बुध के बारे में कि बुध व्यापार और वाणी का कारक ग्रह है। बुध यदि अस्त हो तो बुद्धि सही से काम नहीं करती, वाणी खराब हो जाती है, यानी बोलने में हमेशा आदमी छोटे बड़े का ध्यान नहीं रखता और अमूमन उसके मुंह से गालियां या गाली निकलती रहती है। उसको खुद को अपने आप पर भी विश्वास नहीं रहता जिसका बुध अस्त होता है, और वह दूसरों पर भी विश्वास नहीं करता। शरीर में हमेशा ऐंठन जैसी बनी रहती है, श्वास की तकलीफ होती है, चमड़ी का रोग हो जाता है, गले में हमेशा सर्दी जुकाम कफ या फिर कैंसर आदि ऐसी कुछ गले से संबंधित रोग होते हैं वह हो जाते हैं। अगर बुध जो है 12वें भाव के स्वामी के साथ में या फिर उसके दृष्टि में हो तो बुध आदमी को बिल्कुल नशेड़ी बना देता है और भरपूर नशा करने वाला बना देता है, जिससे कि उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है। अब देखते हैं गुरु। गुरु ग्रह, ऐसे तो देव गुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है, मगर इनके अस्त हो जाने पर गुरु से मिलने वाले जो शुभ प्रभाव है वह कम हो जाते हैं। गुरु के अस्त होने से संतान उत्पन्न में बाधा आती है। सबसे पहले तो बुजुर्गों को कष्ट होगा, शिक्षा में रुकावटें आती है, और व्यक्ति देव में, गुरु में, धर्म में या किसी में भी आस्था नहीं रखता, वह नास्तिक हो जाता है। बृहस्पति की अंतर्दशा में अस्त गुरु है अगर तो लीवर का रोग हो जाता है, टाइफाइड है, ज्वर है, मधुमेह है, यानी कि शुगर की बीमारी, साइनस की बीमारी है, इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोर्ट कचहरी में बहुत ज़्यादा तारीखें भोगने पड़ती है। इसके अलावा धर्मगुरु है, टीचर है, शिक्षक है, यानी जो भी जीवन में शिक्षा देने वाले होते हैं उनके साथ में उनका कभी भी विचार का मेल नहीं होता, उनके साथ हमेशा विचारों का मतभेद बना रहता है, और पढ़ाई में वह कभी रुचि नहीं लेता, पढ़ाई उनकी शिक्षा जो है हमेशा अधूरी या कम रहती है। अब देखते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह ऐसे तो पूरे नौ ग्रहों में भोग, विलास, सुख, ऐश्वर्य, समृद्धि का कारक ग्रह माना गया है, लेकिन अगर यह अस्त हो जाता है तो आदमी का विवाह नहीं होता है, उनका महिलाओं का जो सुख होता है या पत्नी का सुख होता है, पुरुष के लिए मैं बात कर रहा हूँ,
अगर शुक्र पुरुष की कुंडली में अस्त होता है तो विवाह में बहुत सी समस्याएं आती है, विवाह योग समाप्त हो जाता है, महिला के या स्त्री के या पत्नी के सुख का नाश हो जाता है, और कैसे भी अगर शादी होती है तो बाद में महिलाओं के लिए भी यह गुरु के बारे में शुक्र के है कि अगर महिलाओं का शुक्र अस्त है तो उसके गर्भाशय में बहुत तकलीफ होती है, गर्भाशय का रोग हो जाता है, आँखों में तकलीफ रहती है और किडनी जैसी समस्याओं का रोग हो जाता है, गुप्त रोग भी हो जाते हैं। यह जो शुक्र है चरित्र का कारक भी होता है, जिसका शुक्र मजबूत होता है चाहे पुरुष हो तो उसका ध्यान लड़की में औरतों में रहेगा, जो लड़की का है वह पुरुषों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। तो जिसका शुक्र अस्त होता है उसका ध्यान, वह चरित्र के मामले में थोड़ा कमज़ोर होता है, उनका ध्यान थोड़ा भटकता रहता है और उनका चरित्र बहुत प्रभावित रहता है। कभी कभी अगर राहु या केतु से साथ में होता है तो प्रेम विवाह कर लेते हैं, या फिर एक स्त्री से ज़्यादा अनेक स्त्रियों के साथ संबंध बनता है और स्त्री को लेकर पुरुष का या पुरुष को लेकर स्त्री का आपस में बदनामी का योग भी बन जाता है। अस्त शुक्र अगर छठे भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाए तो किडनी और मूत्राशय और यौन अंगों के रोग पैदा कर देता है। अब देखते हैं शनि के विषय में। शनि नौ ग्रहों में न्याय का देवता माना जाता है और यह माना जाता है कि शनि हरेक इंसान को अपने कर्मों के किए हुए कर्मों के आधार पर दंड देता है। शनि कर्म प्रधान ग्रह है, शनि अगर अस्त हो जाता है तो नौकरी, व्यापार, व्यवसाय और अपने से जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ में संबंध कभी अच्छे नहीं रहते हैं, हमेशा तनाव बना रहता है, अनबन बनी रहती है, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी रहती है, आदमी नशे के क्षेत्र में ज़्यादा तरक्की करता है या उसमें रहता है, खुद नशीले पदार्थों का सेवन करता है, नशों का व्यापार करता है, यानी कि यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो प्रतिबंधित नशे होते हैं उनका भी ये व्यापार करे तो वह स्मगलिंग की तरह का व्यापार हो जाता है। अगर शनि अस्त होता है तो कमर का दर्द है, पैरों में दर्द है, स्नायु आदि का जो रोग होता है वह होता है, और अगर शनि छठे भाव के स्वामी के साथ में संबंध रखते हुए कभी अस्त हो जाता है तो आदमी की रीढ़ की जो हड्डी है उसके संबंधित रोग होते हैं। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि अस्त ग्रह को कैसे बलवान बनाया जाए और अस्त ग्रह को जो है उसका दुष्प्रभाव है या सुपरिणाम है उसको कैसे कम किया जाए। अस्त ग्रहों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है तथा कुंडली में किसी अस्त ग्रह का स्वभाव देखने के बाद ही यह निर्णय किया जाता है कि उस अस्त ग्रह को अतिरिक्त बल कैसे प्रदान किया जा सकता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अस्त है और वह आपको अशुभ फल प्रदान कर रहा है तो एक बार आप अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को बताकर जो आपकी कुंडली में अस्त ग्रह है उनके विषय में आप जानकारी ले लें और वह जो उपाय बताए वह उपाय आप करवाएं तो जो अस्त ग्रह आपकी कुंडली में है वह अशुभ फल कम कर देगा और उसके जो दुष्परिणाम होते हैं उसमें भी कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी कुंडली एक बार किसी भी ज्योतिषी को ज़रूर दिखाकर इस बात में आप अधिक जानकारी प्राप्त करें। अस्त ग्रह यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह अस्त है और स्वभाव से उसका फल शुभ है, जैसे कि गुरु अस्त हो जाता है या शुक्र अस्त हो जाता है, बुध अस्त हो जाता है, चंद्रमा अस्त हो जाता है, तो ऐसे ग्रह अगर अस्त हो जाते हैं कुंडली में तो उसे अतिरिक्त बल प्रदान करने के लिए या फिर उसको बलवान जो अस्त ग्रह है उसको बलवान बनाने के लिए सबसे आसान और सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वह यह होता है कि उस ग्रह जो ग्रह अस्त है उस ग्रह के जाप विधिवत रूप से संपन्न करवाएं और करवाने से वह जो अस्त ग्रह है आपकी कुंडली में उसको बल मिलता है और वह जो उसके अशुभ परिणाम है उसमें कमी आ जाती है।
इसके अलावा अगर कोई पापी ग्रह अस्त हो जाता है, जैसे कि मंगल है या शनि है, तो इस प्रकार के ये जो ग्रह या कोई और अशुभ फल देने वाले ग्रह होते हैं वह अस्त हो जाते हैं, और उनको उनकी वजह से आपके जीवन में काफ़ी तकलीफें आ रही है और उन्नति रुक गई है, समस्याएं अनेक बढ़ रही है, परिवार में भी अशांति बनी रहती है, तो ऐसे ग्रह को बल देने के लिए सबसे बढ़िया और सबसे आसान और सबसे बड़ा प्रभावशाली तरीका होता है कि ऐसे ग्रह को डबल संख्या में विधिवत रूप से संपूर्ण जाप करवा कर उसकी शांति करवाएं। ऐसा करने से जो ग्रह होता है वह थोड़ा शुभ फल प्रदान करने लगता है, उसके अशुभ फलों में कमी आ जाती है और वह अपने जो दुष्परिणाम होता है, दुष्प्रभाव होते हैं उनके, उसके परिणामों में भी कमी हो जाती है। जो ग्रह मान लो कि शनि अस्त है या मंगल अस्त है, इनके आप डबल जाप करवाएं। मंगल अगर अस्त होता है तो मैंने आपको ऊपर पहले ही बताया है कि इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, शनि के बारे में भी मैंने आपको बताया है। मंगल और शनि का विशेषकर पुरुष और महिलाओं की कुंडली में परिवार, आय का संबंध और वैवाहिक जीवन, इन तीनों पर ज़्यादा असर पड़ता है। मंगल से मंगली कुंडली हो जाती है, इसलिए मंगल और शनि के जब भी आप कुंडली में अस्त हो या अशुभ परिणाम देने वाले हो, नीच के हो, तो आप हमेशा उसके डबल जाप करवा कर ही शांति करवाएं, तभी यह ग्रह अपने दुष्परिणामों को छोड़ते हैं।